हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सरस्वती आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लू के बारे में। जैसे गर्मियों का मौसम आ चुका है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लगी है, लू बहुत ज़्यादा चलने लगी है, गर्म हवाएं चलने लगी हैं, और जिसकी वजह से जो लोग होते हैं उनमें कई तरीके के अलग अलग सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लू से कैसे बच सकते हैं, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं और क्या सिम्टम आ सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि हमें लू लग गई है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 सेंटीग्रेड। ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी का जो कूलिंग सिस्टम होता है, जो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। क्या सिम्टम्स आने शुरू हो सकते हैं? जैसे हमें चक्कर आना शुरू हो सकता है, हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन यानी किसी भी तरीके से हमारी बॉडी का जो फ्लूड है, जो पानी है, वो लॉस होता जाता है। जैसे किसी को दस्त हो जाते हैं, किसी को उल्टी आनी शुरू हो सकती है, और साथ में सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सिर में जो दर्द होता है वो एकदम बस्टिंग टाइप का, यानी ऐसा लगता है जैसे कि सिर फट जाएगा, या फिर ऐसा लगता है जैसे कि कोई हैमर से हमारे सिर पे मार रहा हो, तो इस टाइप का सिर में दर्द होना शुरू हो सकता है। और साथ में जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो तो बढ़ ही जाता है, और हमारा जो हार्ट रेट होती है वो भी इंक्रीज हो सकती है। साथ में कंफ्यूजन होना दिमाग में, और हमेशा डलनेस फील करना, टायर्ड महसूस करना, ये सारे हमें जब लू लग जाती है तो ये सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फ्रेंड, जो ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो हमारे 4 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो उनका नर्वस सिस्टम होता है वो प्रॉपर, अभी जो CNS होता है वो अभी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनको लू जैसे या फिर हीट स्ट्रोक जैसी जो परेशानियाँ होती हैं, समस्या होती है, वो जल्दी रहती है। इसी तरीके से जो हमारी 65 से अबव एज की जो लोग होते हैं, जो हमारे यंग मतलब ओल्ड पीपल होते हैं, उनके अंदर भी जो ये सिम्टम्स होते हैं लू जैसे लगने के, वो जल्दी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने कुछ आपको सिम्टम्स बताए हैं, अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी को लू लग जाती है तो क्या प्रिवेंशन लेनी चाहिए। लू लगने के बाद हमें, अगर आपको लू लग गई है तो उसके लिए आपको एक तो अपना पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, 12 ग्लास पानी आपको पीने ही है दिन के अंदर, और साथ में जितने भी ऑयली फूड्स हैं उन्हें अवॉइड करना है। कोई भी आपको ड्रिंक वगैरह जैसे कि चाय, कॉफ़ी, इनका सेवन आपको नहीं करना होगा, और फलों का जूस आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज में लेना है। और साथ में जैसे अगर आप कहीं बाहर गए हैं तो आपको अपने सिर को कवर करके रखना है, अपनी नोज़ को कवर करके रखना है, जिससे कि जो सन है, सन की गर्मी आपके सिर में ना जाए। और इसके साथ ही आपको, अगर आप बाहर धूप में जा रहे हैं तो आपको गॉगल्स वियर करने पड़ेंगे, और टाइम टाइम पे आपको कहीं बाहर जाते हैं तो थोड़े थोड़े टाइम में आपको फेस को वॉश करना चाहिए, साथ में हाथ पैरों को वॉश करना चाहिए। हो सके तो दिन में 2 से 3 बार शावर आपको जरूर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको कुछ प्रिवेंशन बताया कि क्या प्रिवेंशन हो सकता है। हाँ, अब क्या होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज इसके अंदर है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप कहीं पे सन के, आपको लगता है कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे सन के एक्सपोजर में ज़्यादा टाइम तक रहूँगा, तो उसके लिए आपको होम्योपैथिक में प्रिवेंटिव मेडिसिन आती है जैल्सियम 30, तो वो आपको यूज़ करनी है। वो आपको जैल्सियम 200 की आपको 4 ड्रॉप आपको दिन में 2 बार आपको लेनी है। तो अगर आप ये मेडिसिन लेके अगर आप बाहर जाते हैं तो हो सकता है आपको लू की लग सकती है, इसकी वजह से अगर आपको कोई सिम्टम्स आ भी रहे हैं तो वो सिम्टम्स आपको नहीं डेवलप हो पाएंगे। तो ये मैंने आपको होम्योपैथिक की एक प्रिवेंटिव मेडिसिन बताई जो आपको हीट स्ट्रोक से बचा के रखेगी, जैल्सियम 30। फ्रेंड्स, अगर आपको हीट स्ट्रोक लग गई है और आप कहीं सन एक्सपोजर में गए हैं और लू में गए हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है
वजह से मेरा जो सिर में है वो दर्द, बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लगा है, और साथ में जो आपकी बीपी की प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है, चक्कर आना है, कंफ्यूजन होने लगा है माइंड का। तो इस कंडीशन के अंदर आप ब्लू 930 एक मेडिसिन आती है, उसकी 4 बूंदें दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आपको जो भी सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे सिर में दर्द होना, तो उस सारे सिम्टम्स में आपको काफी आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और इसी तरीके से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको पहुंचाती रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।